नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम और मैं दुर्गेश सोनी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे नए अपडेट्स आपको तुरंत मिलें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश, जैसा कि आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, मैं आज एक आपके लिए एक फ़ोन और लेके आया हूँ। ये मैं बता दूँ, ये चाइना फ़ोन है, ये एक चाइना फ़ोन है, उषा श्रीराम का फ़ोन है। चाइना फ़ोन है, एक उषा श्रीराम करके किसी कंपनी का फ़ोन है फ्रेंड्स। ये एक्चुअल में FRP पे है और मैं इसको आपको FRP दिखाऊंगा कि ये FRP में है कि नहीं है। तो हम गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अब हम इसके बटन पे दाएंगे। अब जैसे ही जाएंगे देखेंगे तो फ्रेंड, तो ये स्टार्ट न्यू सेटअप कर लेते हैं। तो ये हमारा स्किप नहीं हो रहा है फ्रेंड, जैसा कि देख रहे हैं हमारा स्किप नहीं हो रहा है। तो मैं इसका मॉडल आपको दिखा देता हूँ फिलहाल। ये एक चाइना फ़ोन ही है, ये आपका है RA3 जेन्यूस प्लस स्टार। ये आपका है उषा श्रीराम का एक मॉडल है फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके FRP, इसमें मीडियाटेक CPU लगा हुआ है, तो मीडियाटेक है तो इसको चुटकी में हम FRP इसके हटा देंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। आपके पास कभी ऐसा फ़ोन आता है तो आप इसकी चुटकी FRP में बिना किसी डोंगल के हटा सकते हैं। मैं मिरेकल क्रैक से इसकी हटाऊँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे एक चाइना का फ़ोन था, जो कि आपने देखा वो FRP पे है और उषा श्रीराम करके कोई है फ़ोन है, चाइना फ़ोन है, उसमें मीडियाटेक CPU लगाया फ्रेंड। तो इसके लिए हम मिरेकल थंडर का क्रैक वर्जन यूज़ करेंगे और इसकी इजीली FRP आपके सामने हम इसकी रिमूव करके दिखाएंगे फ्रेंड्स। वन क्लिक में इसकी FRP रिमूव हो जाएगी। तो मैं मिरेकल का थंडर खोल रहा हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारे नए नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा फ्रेंड्स, जब तक हमारा मिरेकल का थंडर खुल रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा स्मार्ट टेलीकॉम चैनल है, अभी से आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन जो भी हमारे वीडियोस आपको जैसे ही हम अपलोड करते हैं आपको तुरंत मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे इतने सारे वीडियो हैं, आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं। तो आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ। तो चलिए हम आगे दिखाते हैं आपको सारी चीज़ें। मिरेकल थंडर क्रैक से हम इसमें कर रहे हैं, बाईपास ही है एक तरह से, कोई भी डोंगल यूज़ नहीं कर रहे हैं, चाइना फ़ोन है। तो जैसा देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा ये क्रैक वर्जन खुल चुका है, क्रैक वर्जन खुल गया है। तो इसे हम एक बार कनेक्ट करेंगे और फटाक से हम इसमें जाएंगे, मीडियाटेक सर्विस में जाएंगे फ्रेंड। उसके बाद आपको जाना है फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में जाने के बाद आपको इसमें बूट लेना है, बूट आपको लेना है फ्रेंड्स 8 बूट लेना है। सेव को अनटिक करना है, एडवांस टिक करना है। अब आपको सिंपली स्टार्ट बटन दबाना है फ्रेंड्स। तो मैं सिंपली स्टार्ट बटन दबा देता हूँ फ्रेंड। स्टार्ट बटन को आपको दबाना है और फ़ोन को कनेक्ट करना है। तो फ़ोन को अब ये पूछ रहे हैं कि इनका बैकअप चाहिए, तो बैकअप ऑलरेडी इसका लॉस हो चुका है। अब हम फ़ोन को कनेक्ट करेंगे। अब मैं हमेशा बोला था कि जब भी आप कभी सॉफ्टवेयर करें तो अपना डिवाइस मैनेजर को खोल करके रखें फ्रेंड्स। तो जैसा कि देख सकते हैं मीडियाटेक CPU हमारा बना लिया है। मैं आपको ड्राइवर दिखाऊंगा, यहाँ पे ड्राइवर दिखाने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स। बूट 8 हमारा ले लिया है, बूट 8 आपको लेना है इसकी। तो आपने देखा फ्रेंड्स, इसको मैंने वैल्यूम अप दबा के कनेक्ट किया था तो बूट डाटा एरर आ गया है, इसमें बूट डाटा एरर आ चुका है फ्रेंड। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे हमारा मिरेकल से एरर आया, तो हमें इसे UMT के एवेंजर टूल से करेंगे फ्रेंड। इसकी FRP 1 सेकेंड में हटेगी। 1 सेकेंड का मतलब जैसे ही बस यस करना है, फ़ोन कनेक्ट होगा, FRP हट जाएगी। तो मैं एवेंजर टूल खोल रहा हूँ MTK का। ये UMT से ही कनेक्टेड होता है एवेंजर टूल, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने फिर FRP पे जाना है। FRP पे जाने के बाद आप देख सकते हैं FRP पे क्लिक करना है बस फ्रेंड। FRP पे हमें क्लिक करना है और FRP पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं FRP पे हमने क्लिक किया है, यस करेंगे इसको। इसके बाद फ़ोन को बस कनेक्ट करना है बिना कोई की दबाए। आपको मीडियाटेक का CPU है, आपको फ़ोन मैंने मिरेकल से इसलिए दिखाया क्योंकि आप आते एरर पे परेशान हो जाते हैं कैसे करना है। देखिए, बस सिंपली आपको फ़ोन को कनेक्ट करना है और ये देखिए FRP ख़त्म हो गई। FRP आपकी ख़त्म हो गई फ्रेंड्स। FRP आपकी बहुत ही, मतलब मैंने बताया था जैसे ही फ़ोन कनेक्ट होगा वैसे ही FRP रिमूव हो जाएगी फ्रेंड। जैसा कि आपने देख सकते हैं, जैसे कि हमने दिखाया FRP हमारी रिमूव हो चुकी है। यहाँ हमारे देख सकते हैं पोर्ट बनाया हुआ है फ्रेंड्स।
आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी। ये हमारा दिखाने का मोटिव था कि अगर मिरेकल से फैल होता है तो आपको हर एक टूल को ट्राई करना है। तो आपने देखा कि एक सेकंड के अंदर हमारी एफ आर पी रिमूव हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एफ आर पी डन लिख दिया है। अब आपको हम दिखाएंगे हमारे फ़ोन में कि एफ आर पी रिमूव हुई कि नहीं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा हमने मिरेकल क्रैक से किया था तो उसमें एरर आ गया था। तो फिर मैंने UMT के एवेंजर टूल से किया है फ्रेंड्स। तो आपको हर एक टूल को हमेशा देखना चाहिए कि कब कैसे होता है। तो मैंने इसको देखिए फ़ोन को रिबूट हुआ है, हमने फ़ोन को निकाल दिया है। हमेशा साइड में अपना डिवाइस मिरर खोल कर रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये वही सेट है जो हमने आपको दिखाया था अभी, उषा का है। मैंने भी पहली बार देखा है श्रीराम ऐसा कुछ फ़ोन है जिसमें मीडियाटेक सीपीयू लगा हुआ है फ्रेंड। तो मैंने इसको देखिए हमेशा आपको ट्राई करना चाहिए कि किस फॉर्मेट से, किस टूल से, किस तरीके से इजीली FRP हो जा रही है। सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कोई भी बूट की नहीं दबाया है, यहाँ पे बस डायरेक्ट आपको USB केबल इंसर्ट करना था फ्रेंड्स। तो अभी देखिए फ़ोन हमारा स्टार्ट हो चुका है, स्किप करेंगे अब इसमें हम सेटअप करेंगे। ये वही सेट है। अब आप नीचे आएंगे फ्रेंड्स तो देखेंगे यहाँ पे आपका डोंट यूज़ एनी नेटवर्क फॉर सेटअप आ गया है। तो आप एक मतलब ये स्किप का बटन आ गया है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं इसकी इजीली FRP रिमूव हो गई फ्रेंड। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए से लास्ट तक देखते हैं कि इसकी एक्चुअल में FRP हटी कि नहीं। FRP तो हट गई है फ्रेंड्स क्योंकि वहीं पे अब आप देख सकते हैं फ्रेंड चुटकी में FRP रिमूव हुई है फ्रेंड्स। जैसा कि आपने देखा मिरेकल में एरर आ रहा था, बूट एरर आ रहा था। दो बार हमने कनेक्ट किया, एक बार अप दबा के, एक बार बिना पावर कुछ भी दबा के बूट एरर आ रहा था फ्रेंड्स। तो हमने इसको UMT का एवेंजर टूल यूज़ किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली तरीके से FRP इसकी डन हो गई। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।